प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फैद के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियोस आप तक पहुँचे। आज शेयर कर रहे हैं बहुत इंस्टेंट क्विक बहुत डिलीशियस हलीम रेसिपी है, जो कि खाने में बेहद टेस्टी और बहुत ईजी क्विक बन जाता है। तो हलीम बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने एक कप ऑयल लिया, उसके अंदर हमने फ्राइड अनियन शामिल की। इसको सॉटे करेंगे अच्छी तरह से। जब हमारी अनियन सॉटे हो जाएगी तो हमने जो है वो इसमें मटन शामिल करेंगे। मटन को हमने वॉश करके रखा है। मटन यहाँ पर हमने हाफ के जी से ज़्यादा लिया है। आपको जितना हलीम बनाना है आप उसी रिक्वायरमेंट से अपने गोश्त की, मीट, मटन या चिकन, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने लिया है कोरमा मसाला, तो इसमें कोरमा मसाला अच्छा हाफ पैकेट से ज़्यादा शामिल करेंगे। गोश्त को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से तल लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पूरा हाफ साशी से ज़्यादा कोरमा मसाला शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सॉटे करेंगे, कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ गंदम। गंदम लिया था 1 कप के करीब, उसको रात भर सोख करके और इसको मोटा मोटा हमने ग्राइंड कर लिया। अब ये हैं हमारी तमाम दालें, चने की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल, और साथ में जो है वो जौ और गंदम। इन सबको हमने मिक्स करके रात भर सोख कर लिया था इन सब दालों को। यहाँ हमने जो है वो एक एक कप, एक एक प्याला ली है सारी दालें, उन सब दालों को। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। और हाफ पैकेट जो है वो कोरमा मसाला पहले शामिल किया था, उसके बाद जो है वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच मज़ीद इसमें और शामिल किया। अब सबको जो है वो गोश्त और दालों को और गंदम, जौ, सबको जो है वो अब मिक्स करके इसके साथ ही पकने देंगे। ये अच्छी तरह से जो है वो अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। अब गोश्त के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हम पकाते रहेंगे तकरीबन 4 घंटे तक। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अब ये हमारा मटन जो है वो गल गया है तकरीबन पूरा 90%। अब इसको निकाल लेंगे बाहर और इसका रेशा कर लेंगे। परफेक्ट हलीम बनाने के लिए हलीम जितनी मर्तबा पकाया जाएगा जितना कुक किया। ये हमने एक चिकन की उबली है और साथ में जो हमारा मटन था उसके हमने शीट्स कर लिए, तो चिकन क्यूब शामिल किया, अब शीट्स किए हुए। मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हलीम को बहुत घोटा और तकरीबन 4 घंटे तक इसे हमने घोट कर अब ये हमारा हलीम तैयार हो गया है। अब इसे डिश में सर्व करते हैं। हरी मिर्च और अदरक और लीमू के साथ इसे सर्व किया। अब इसमें भगार लगाएंगे। भगार में हमने फ्राइड अनियन ली है। अब बघार लगा के हमारा मज़ेदार इंस्टेंट क्विक डिलीशियस सा हलीम रेडी टू सर्व है, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है और बनाने में बहुत आसान इजी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हलीम की रेसिपी कैसी लगी।